क्या पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम से अधिक बलशाली थे? आखिर किस तरह हनुमान जी ने भगवान श्री राम से युद्ध में विजय प्राप्त की? जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम और हनुमान जी का भी युद्ध हुआ था। अगर आप इस बारे में नहीं जानते तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ और हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखते हैं। ये तो हम सब जानते ही हैं कि दशरथ नंदन श्री राम जी हनुमान जी के हृदय में बसते हैं। जैसा कि हम सब जानते ही हैं, भगवान श्री राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे और हनुमान जी स्वयं शिव के अवतार थे। ऐसे में दोनों ही देवताओं की शक्तियों का कंपैरिजन करना तो बिल्कुल ही गलत होगा। लेकिन फिर भी अगर हम आपसे कहें कि पवन पुत्र हनुमान जी भगवान श्री राम से ज्यादा बलशाली थे तो आप क्या कहेंगे? तो चलिए आज श्री राम और हनुमान जी की शक्तियों और वरदानों के आधार पर ये तय करते हैं कि कौन ज्यादा बलशाली थे। दरअसल भगवान विष्णु के अवतार श्री राम स्वयं मनुष्य के रूप में जन्मे थे और साथ ही उन्होंने विश्वामित्र जी से अनेक प्रकार की शिक्षा और दीक्षा भी ली थी, तब जाकर उन्हें कई सारे अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है, क्योंकि वो काफी विनम्र स्वभाव के थे। वहीं पवन पुत्र जी अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के दाता कहे जाते हैं। इनके पास 8 सिद्धियां थी, यानी कि 8 प्रकार की शक्तियां थी। साथ ही उन्हें अलग अलग देवी देवताओं से कई प्रकार के वरदान भी मिले हुए थे। तो अगर ऐसे में अगर शक्ति की गणना की जाए तो बलशाली हनुमान जी स्वयं अपने प्रभु आराध्य देव भगवान श्री राम के बल के मामले में उनसे अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन हनुमान जी को जितनी भी शक्तियां बाद में प्राप्त हुई थी वो सभी भगवान श्री राम का नाम लेने से ही हुई थी। इसी के साथ एक कथा भी जुड़ी है। कहा जाता है कि रामायण के बाद एक ऐसा समय आया था जब स्वयं भगवान श्री राम और हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था। अब चलिए उस घटना के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। इसके बारे में कथा मिलती है कि एक बार सुमेरु पर्वत पर सभी संतों की सभा का आयोजन हुआ था। कैवर्त देश के राजा सुकंत उसी सभा में सभी संतों का आशीर्वाद लेने जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें देव ऋषि नारद मिले। राजा सुकंत ने उन्हें प्रणाम किया और नारद जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। राजा सुकंत ने उन्हें संत सभा के आयोजन के बारे में बताया। इस पर नारद मुनि ने कहा कि अच्छा है, संतों की सभा में जरूर जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ जो भी ऋषि मुनि संत मौजूद होंगे आप उन्हें प्रणाम जरूर करना, लेकिन विश्वामित्र का अभिवादन बिल्कुल भी मत करना। इस पर सुकंत ने पूछा कि ये तो उचित नहीं होगा। तब नारद जी ने कहा कि तुम भी राजा हो और वो भी पहले राजा थे, संत तो वो अब बने हैं, तो तुम्हें उन्हें प्रणाम नहीं करना चाहिए। सुकंत ने बिल्कुल वैसा ही किया और ऋषि विश्वामित्र इस बात से बहुत गुस्सा हो गए। ऋषि विश्वामित्र वापस पहुंचकर श्री राम जी की सभा में पहुंचे। वहां श्री राम जी ने उनसे उनके अपमान का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सुकंत ने उनका अपमान किया है और अगर श्री राम उन्हें अपना गुरु मानते हैं तो उनके चरणों की सौगंध खाए कि वो राजा सुकंत का सिर उनके चरणों पर रख देंगे। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा ले ली, लेकिन दूसरे ही पल जब सुकंत को पता चला कि स्वयं भगवान श्री राम उनका वध करने आ रहे हैं तो वो देव ऋषि नारद के पास गए। देव ऋषि नारद ने उन्हें सलाह दी कि वे स्वयं अंजनी माता के पास जाए, वही अब उनका वध होने से बचा सकती है। सुकंत अंजनी माता के महल के बाहर जाकर जोर जोर से रोने लगे। जब अंजनी माता ने उनके रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि ऋषि विश्वामित्र उनका वध करना चाहते हैं। ऐसे में अंजनी माता ने उन्हें प्रतिज्ञा दी कि मेरा बलशाली पुत्र पवन पुत्र हनुमान तुम्हारी रक्षा करेगा। माता अंजनी ने हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए। साथ ही हनुमान जी ने ये भी प्रतिज्ञा ली कि राजा सुकंत की वो सेवा करेंगे, साथ ही उनको बचाएंगे भी। जब हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ले ली और उसके बाद उन्होंने पूछा कि आखिर उन्हें बचाना किससे है, तब सुकंत ने कहा कि स्वयं प्रभु श्री राम से। ये सुनते ही हनुमान जी चौंक गए। अब हनुमान जी बड़ी विडंबना में थे कि आखिर अपने प्रभु से कैसे लड़ सकते हैं। लेकिन हनुमान जी अपनी माता को वचन दे चुके थे। फिर
वो क्षण भी आया जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सुकंत का वध करने पहुँचे। तब हनुमान जी ने अपना शरीर तिनके के आकार जितना छोटा कर लिया और भगवान श्री राम का ध्यान करने लगे। उन्होंने राजा सुकंत को एक चट्टान पर बिठा दिया। जब भगवान श्री राम ने राजा सुकंत को वहाँ बैठा हुआ देखा तो उन पर सारे दिव्यास्त्र छोड़ दिए, लेकिन उनके सामने तिनके के आकार में बैठे हुए हनुमान जी बार बार श्री राम का नाम ले रहे थे। जैसे ही कोई दिव्यास्त्र उनके पास पहुंचता तो वह अपने आप नष्ट हो जाता। भगवान श्री राम ये समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके सभी दिव्यास्त्र राजा सुकंत पर विफल कैसे हो रहे हैं। फिर भगवान श्री राम ने ब्रह्मास्त्र सुकंत पर छोड़ा। हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपने आकार में आ गए, यानी कि अपने सामान्य रूप में आ गए और ब्रह्मास्त्र उनके शरीर में समा गया। भगवान श्री राम ने जब हनुमान जी को देखा तो वो चौंक गए। तभी वहाँ ऋषि विश्वामित्र भी पहुँच गए। पवन पुत्र हनुमान जी ने राजा सुकंत से कहा कि अभी जाकर ऋषि विश्वामित्र से माफी मांगे और उनके चरणों को स्पर्श करें। राजा सुकंत ने ऐसा ही किया। ऐसे में ऋषि विश्वामित्र ने उन्हें क्षमा कर दिया और प्रभु और भक्त के बीच हो रहे युद्ध को रोक दिया। तब भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी से पूछा कि तुम तिनके के आकार में किस तरह से यहाँ पर आए और राजा सुकंत को बार बार क्यों बचा रहे थे। तब हनुमान जी ने कहा कि राजा सुकंत बार बार मेरी वजह से ही बच रहे थे। एकाएक दिव्यास्त्र जो उन पर विफल हो रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आपका नाम स्मरण करने के कारण ही हो रहे थे। वो बार बार आपका नाम स्मरण कर रहे थे जिसकी वजह से उनके प्राण बच गए। तब ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि भगवान श्री राम से बड़ा तो उनका नाम है। तो दोस्तों, इस घटना से साफ हो जाता है कि भगवान श्री राम से बड़ा उनका नाम है। राम का नाम जपने से ही हनुमान जी को असीम शक्तियां प्राप्त होती हैं। लेकिन अगर बल की बात की जाए तो हनुमान जी के पास पहले से ही अष्ट सिद्धियां हैं और साथ ही नौ निधियों के दाता भी उन्हें कहा जाता है। बलशाली हनुमान जी हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं श्री राम है और उनके भक्त पवन पुत्र हनुमान है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम इतने बलवान थे, आखिर उनकी मृत्यु कैसे हुई होगी? क्योंकि जो इस धरती पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ये प्रकृति के नियम भगवान ने स्वयं बनाए हैं। भगवान श्री राम के मृत्यु से जुड़ी दो कथाएं प्रचलित है। एक कथा के अनुसार सीता माँ ने अपने दोनों बच्चों लव और कुश को प्रभु श्री राम को सौंप दिया और धरती माता में समा गई। सीता जी के जाने के बाद प्रभु श्री राम इतने दुखी हुआ कि उन्होंने यमराज से सहमति लेकर सरयू नदी में जल समाधि ले ली। दूसरी कथा के अनुसार एक बार हनुमान जी के अयोध्या में नहीं रहने पर यमदेव वेश बदलकर अयोध्या आए। उन्होंने श्री राम से अकेले में बात करने की कही। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि कोई भी उन्हें बीच में परेशान ना करे, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि लक्ष्मण जी को उन्हें बातचीत के बीच में आके टोकना पड़ा, जिसकी वजह से भगवान राम को लक्ष्मण को देश निकाला देना पड़ा। भाई से दूर रहने की बात जानकर लक्ष्मण जी ने सरयू नदी में समाधि ले ली और इसके बाद भाई की जल समाधि से आहत श्री राम ने भी जल समाधि लेने का निश्चय किया। वो सरयू नदी के अंदर गए और भगवान विष्णु के अवतार में आ गए। इस तरह श्री राम ने मानव शरीर का त्याग कर दिया और वैकुंठ को चले गए। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं एक और वीडियो में।